चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। कल तक हम लोगों ने हिमालयस का पूरा अध्ययन कर लिया। अब सुनना ध्यान से। कल हमने ये चीज पढ़ा था कि ये है वेस्टर्न हिमालयस, ये जो पूरा पार्ट है ये वेस्टर्न हिमालयस है और ये ईस्टर्न हिमालयस है। अब बस मुझे कॉमन सेंस में, मतलब बस कॉमन सेंस से मुझे बताना, ये वाला इक्वेटर से ज्यादा दूर होगा कि ये वाला इक्वेटर से ज्यादा दूर होगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ज्यादा दूर इक्वेटर से कौन होगा? ज्यादा दूर इक्वेटर से कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, दिखने को दिख रहा है मेरे को, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर, दिख रहा है, दिख रहा है मेरे को। क्यों? देखो ना, ये आपको थोड़ा ज्यादा नजदीक दिख रहा है इक्वेटर के, और ये थोड़ा तो दूर है सर। दूर है, थोड़ा है या कितना है? दूर है, दूर है। मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि ये जो है ये फार फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, ये दूर है सर, फार फ्रॉम इक्वेटर, एंड दिस इज नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? मतलब कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन बोल रहा हूँ मैं, इन कंपैरिजन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सर ये दूर है, वेस्टर्न हिमालयस जो है वो दूर है इक्वेटर से, और ईस्टर्न हिमालयस इक्वेटर के करीब है, इक्वेटर के करीब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब सोचो एक बात, मुझे बताओ, आप लोग कॉमन सेंस से बताना मेरे साथ। आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है यार, तो इतना तो मैं आपसे शायद उम्मीद रख सकता हूँ कि अगर कोई प्लेस इक्वेटर के सामने है, तो वहां पे वर्षा ज्यादा होगा कि कम होगा? प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। हमने ये पढ़ा है कि इक्वेटर के पास अगर कोई भी प्लेस है, वहां पे गर्मी के कारण कन्वेक्शन ऊपर उठते हैं, और कन्वेक्शन के कारण वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, यहाँ पे यानी प्रिसिपिटेशन ज्यादा होता है, वर्षण ज्यादा होता है। मतलब सर वेस्टर्न हिमालयस दूर है, इक्वेटर से, तो यहाँ पे लेस प्रिसिपिटेशन होगा, लेस प्रिसिपिटेशन होगा। और ये जो है ये करीब है, ईस्टर्न हिमालयस जो है वो करीब है इक्वेटर के, दैट मीन्स यहाँ पे मोर रेनफॉल होगा, मोर प्रिसिपिटेशन होगा, ज्यादा प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक है, प्रिसिपिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको वेजिटेशन ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? वेजिटेशन का मतलब समझते हो, पेड़ पौधा, ज्यादा जीव जंतु, बहुत ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? वहां ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे ज्यादा वर्षा हो रहा है, कि वहां ज्यादा को देखने को मिलेगा जहां पे कम वर्षा हो रहा है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस सर, जहां ज्यादा वर्षा होता है ना, वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों? नहीं पता क्यों, परंतु चीज देखो, चीज समझो। जो अभी देखो, अभी ठंडा का दिन है ना, कुछ दिन बाद सर गर्मी का दिन आएगा। आप देखना, आपका अगर कोई बगीचा होगा या फिर कोई ऐसा जगह जहां पे बहुत सारा पेड़ पौधा है सर, गर्मी के दिन में वो सूख जाता है, वहां पे वर्षा नहीं होता है ना सर, गर्मी के दिन में सूख जाता है। लेकिन सर जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट होता है ना, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से वहां पे झाड़ जंगाड़ उग जाता है। कैसे उग जाता है? वर्षा के कारण। तो सर वेस्टर्न हिमालयस में वर्षा कम हो रही है, प्रिसिपिटेशन कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगा? नो सर, यहाँ पे लेस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, लेस वेजिटेशन। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सर, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मोर वेजिटेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया सभी को? मोर वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब सर मोर वेजिटेशन या फिर बायोडायवर्सिटी, मोर बायोडायवर्सिटी। समझ जाना यार, मोर वेजिटेशन, लेस बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधताएं, ठीक है, जैव विविधताएं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सर, लेस बायोडायवर्सिटी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मोर बायोडायवर्सिटी दिखेगा, बायो डायवर्सिटी, ठीक है, ज्यादा बायोडायवर्सिटी दिखेगा। समझ में आया सभी को? अब सुनना एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को याद करवाया है हाइट, तीन चार माउंटेन का मैंने हाइट याद करवाया है, वो वेस्टर्न हिमालयाज में याद किया है कि ईस्टर्न हिमालयाज में? किसी को याद है? मैंने तीन चार माउंटेन्स का नाम, जैसे K2 का नाम याद करवाया सर, K2 का हाइट याद करवाया सर, 8611। मैंने आपको, हाँ वेरी गुड, आपने ईस्टर्न, मैंने आपको ईस्टर्न याद करवाया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार, एकदम लाजवाब। आप लोगों को, मतलब आप लोग अपना
ये देना यार, एड्रेस भेज देना ग्रुप में, ठीक है? आप लोगों को पिज्जा पार्टी खिलाऊंगा आज मैं, ठीक है? पिज्जा मिलेगा आप लोग को। मतलब केटू का याद करवाया है, नंदा देवी याद करवाया है, माउंट कंचनजुंगा याद करवाया है और माउंट एवरेस्ट याद करवाया है, और ये सब कुछ वेस्टर्न हिमालयाज का हिस्सा है, ठीक है? वेस्टर्न हिमालयाज का हिस्सा है, क्यों याद करवाया है? और ईस्टर्न हिमालयाज का हाइट मैंने नहीं याद करवाया है, बिल्कुल नहीं हाइट याद करवाया है किसी का। एक भी आप क्लेम करके दिखा दो कि एक भी ईस्टर्न हिमालयाज, कोई भी किस कोई भी ईस्टर्न हिमालयाज का हाइट याद नहीं करवाया है, तो क्या रीजन था? रीजन यह है कि कभी ईस्टर्न हिमालयाज का हाइट नहीं पूछते हैं सर। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ईस्टर्न हिमालयाज के जो पर्वत है ना, वो ज्यादा ऊंचा नहीं है विथ कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज का जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत माउंटेन रेंज है, वो ज्यादा हाइट है, वो ज्यादा हाई है सर, वो ज्यादा ऊंचा है सर। और ईस्टर्न हिमालयाज का जो माउंटेन्स है वो लेस लेस हाई है, वो कम हाइट के हैं, वो ज्यादा हाइट के नहीं है। मतलब विथ कंपेरिजन वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा हाइट किसको देखने को मिलेगा सर? वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है? वेस्टर्न हिमालयाज जो है वो ज्यादा हाइट है, ठीक है? ज्यादा हाइट है, लेस हाइट। अच्छा, वेरी गुड, समझ में आया सभी को? अच्छा, अब नॉर्मल लैप्स रेट याद करो। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता था? नॉर्मल लैप्स रेट, जिन्होंने भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है मेरे साथ, तो नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब समझ में आता होगा कि नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है सर, कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। मतलब टेम्परेचर घटता है मतलब ठंडा ज्यादा लगता है, ठीक है? जैसे जैसे आप सर हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, इस हिसाब से मुझे बताओगे आपको वेस्टर्न हिमालयाज में ज्यादा ठंडा देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न हिमालयाज में? ज्यादा ठंडा कहाँ देखने को मिलेगा सर? वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है? वेस्टर्न हिमालयाज में मतलब सर यहाँ पे मुझे लेस टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लेस टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मोर टेम्परेचर, ठीक है? मोर टेम्परेचर। सबको समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ग्रेट हिमालयाज पढ़ाया था आपको, याद है? कोई मुझे बताएगा वो ग्रेट हिमालयाज जो मैंने पढ़ाया था वो किस पर्वत से स्टार्ट होके किस पर्वत तक खत्म होता है? कोई मुझे बताएगा ग्रेट हिमालयाज किस पर्वत से स्टार्ट किया था हमने पढ़ना और किस पर्वत में खत्म किया था ग्रेट हिमालयाज को? किसी को याद हो तो? नंगा पर्वत से स्टार्ट किया था और नामचा पर्वत पे खत्म किया था। और नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। और नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब आप देख रहे हैं कितना दूर तक फैला हुआ है वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज कितना दूर तक फैला हुआ है सर? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको वेस्टर्न हिमालयाज दिख रहा है। परंतु ईस्टर्न हिमालयाज क्या हमने बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ देखा क्या? नहीं देखा। आप समझो ना, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है, मिजोरम में खत्म हो जा रहा है। देखो, फील करो चीजों को, अगर नहीं फील हो रहा है तो यहाँ से फील करो सर। ये है मेरा लद्दाख, दिस इज लद्दाख एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। सोचो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पूरा वेस्टर्न हिमालयाज। और ईस्टर्न हिमालयाज कहाँ पे सर? बस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ज्यादा ब्रॉडर कौन दिखता है आपको? ज्यादा ब्रॉडली कौन एक्सटेंडेड है? ज्यादा ब्रॉडली कौन एक्सटेंडेड है सर? वेस्टर्न हिमालयाज मोर ब्रॉडर, ठीक है? ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रॉडर है सर, ठीक है? और ये लेस ब्रॉडर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो, अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे लेस टेम्परेचर है और यहाँ पे मोर टेम्परेचर है। मुझे कॉमन सेंस से बताओ, आपको ज्यादा स्नो कहाँ दिखेगा? स्नो मतलब समझते हैं बर्फ, कहाँ दिखेगा सर? ज्यादा बर्फ कहाँ दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, वेस्टर्न हिमालयाज का हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा होने के कारण वहां पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है। क्या टेम्परेचर कम हो जा रहा है? मतलब मोर स्नो हमको यहाँ पे दिखेगा, मोर स्नो कवर्ड, ठीक है? और यहाँ पे लेस स्नो, ठीक है? लेस स्नो। आपको समझ में आया? चलो सुनना आप ध्यान से, ये एक पहाड़ है, ठीक है? एक पहाड़ है, दिस इज वन पहाड़, दिस इज वन माउंटेन। ये माउंटेन में जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है यहाँ पे जो स्नो है वो यहां तक कवर है। मतलब
ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा स्नो से घिरा हुआ है, स्नो से कवर है, ठीक है, स्नो से कवर है, ध्यान से सुनना, स्नो से कवर है। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन है सर, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं स्नो लाइन, इस लाइन को कहते हैं स्नो लाइन। क्या कहते हैं? स्नो लाइन। क्यों बोलते हैं स्नो लाइन? तो स्नो लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर पूरा सर स्नो से घिरा हुआ है, पूरा जो जो एरिया है, देखो ना, इस लाइन के ऊपर जितना भी एरिया है, पूरा एरिया स्नो से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्नो लाइन, स्नो लाइन। अच्छा, वेरी गुड। अब सोचो, ये है सर वेस्टर्न हिमालयस, और ये है, एक और मैं हिमालय बना रहा हूँ, एक और माउंटेन बना रहा हूँ, ये है ईस्टर्न हिमालयस। ज्यादा बर्फ कहाँ दिखेगा आपको? ज्यादा बर्फ कहाँ दिखेगा, ईस्टर्न में कि वेस्टर्न में? सर वेस्टर्न में। तो देखो यहाँ पे इतना ज्यादा एरिया जो है वो वेस्टर्न का कवर है सर स्नो से, मतलब ईस्टर्न में इससे कम बर्फ होना चाहिए, ईस्टर्न में इससे कम बर्फ होना चाहिए, मतलब कम एरिया स्नो से कवर होना चाहिए। हमने पढ़ लिया सर, मतलब सर ईस्टर्न का जो एरिया, ईस्टर्न हिमालयस का जो माउंटेन है, वहां पे स्नो कवर कम दिखता है, इसीलिए सर स्नो लाइन जो है ये भी अलग जगह पे दिखता है हम लोग को। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस माउंटेन को चढ़ रहे हो, वेस्टर्न हिमालयस को चढ़ रहे हो, आपको स्नो लाइन यहीं पे मिल गया, और अगर आप ईस्टर्न हिमालयस चढ़ रहे हो तो आपको स्नो लाइन यहाँ पे दिखता है, आप मुझे बता पाओगे कि स्नो लाइन आपको ज्यादा हाइट पे कहाँ पे मिल रहा है? ज्यादा हाइट पे कहाँ पे मिल रहा है, वेस्टर्न हिमालयस की ईस्टर्न हिमालयस? सर ईस्टर्न हिमालयस। क्यों? क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे जो स्नो है सर वो कम मात्रा में है, और अगर स्नोफॉल होता है ना तो ये पिघल भी जाता है सर। क्यों? क्यों पिघल जाता है? इक्वेटर के करीब है, ठीक है, मतलब सर अगर मैं आपसे बोलूं कि स्नो स्नो लाइन, स्नो लाइन लेस हाइट, ठीक है, स्नो लाइन लेस हाई, ठीक है, ज्यादा हाइट पे नहीं है, परंतु यहाँ पे सर स्नो लाइन मोर हाई। देख रहे हो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये कितना कॉन्सेप्चुअल था, फील हुआ सभी को? क्या बताया मैंने यार कि ये स्नो लाइन होता है, एक स्नो लाइन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्नो लाइन उसके ऊपर जितना भी एरिया है वो पूरा बर्फ से कवर रहता है। अब सोचो आप ही लोग कि यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयस में बर्फबारी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो ज्यादा कवर्ड होता है, मतलब सर थोड़ा ही ऊपर चढ़ेंगे ना तो तुरंत हमको स्नो लाइन दिख जाएगा, परंतु ईस्टर्न हिमालयस में कम बर्फबारी होता है, और अगर होता भी है ना तो वो पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के करीब है, मतलब सर अगर हमको स्नो लाइन देखना है तो ईस्टर्न हिमालयस में बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, परंतु वेस्टर्न हिमालयस में, आओ मैं तुम्हें दिखा दूं वेस्टर्न हिमालयस में स्नोफॉल और स्नो लाइन, बिकॉज यहाँ पे तो डेली का है, डेली यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। समझ में आया सभी को? तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न हिमालयस। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। आई होप हर एक पॉइंट्स को, जितना भी पॉइंट मैंने लिखा सब पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालना, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज, हिमालय खत्म नहीं हुआ है, हिमालय को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, माउंटेन्स। अब हम लोग कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हिमालय खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, हिमालय अभी चलेगा, पर मैं पूरा हिमालय साथ में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं साथ साथ लेके चलना चाहता हूँ। सुनना, एक नया टॉपिक लिखेंगे आप लोग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आज हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है? अच्छा एक बात आप लोगों को पता है क्या कि पृथ्वी बनने से पहले, मतलब आज जिस पृथ्वी में हम लोग रहते थे हैं, वो पृथ्वी पहले एक आग का गोला था सर। वो जो पृथ्वी है वो पहले एक आग का गोला था, आग का गोला हुआ, फिर ठंडाया, फिर माइक्रोब्स आए सर, फिर बहुत सारा जीव जंतु आया, फिर सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखा हमने, फिर हमने जोरासिक जोरासिक पीरियड देखा सर, बहुत सारा ऐसा टाइमलाइन हम लोग सुनते हैं कि जो पृथ्वी में अभी हम लोग हैं, जिस पृथ्वी में अभी हम लोग हैं, ये पृथ्वी हमेशा से ऐसा नहीं था, ये पृथ्वी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है। तो किस किस टाइम पे किस किस तरीके से चेंज हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट
पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कोल, अच्छा मैं मुझे आप लोग बताएंगे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है पूरे अर्थ में, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। चार टाइप पढ़ते हैं हम लोग, एंथ्रासाइट, ब्यूटोमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट है सर एंथ्रासाइट। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि एंथ्रासाइट कौन सा एरा में बना है, कौन सा एरा में बना है, ऑप्शन दे देगा सर, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। आप लोग अकबका जाएंगे कि ये पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक क्या है, ठीक है, अकबका जाएंगे पूरा। जैसे अभी बोले ना कि मतलब क्या है इसका, अरे बोलना क्या चाहते हो, ऐसे भी मतलब वो मीम्स देखा है ना आपने थ्री वाला, आप भी एग्जाम में करोगे, अरे बोलना क्या चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। हम पढ़ के जाएंगे, हम नहीं पूछेंगे आप बोलना क्या चाहते हो, हम ये बोलेंगे ये होगा इसका आंसर। सुनना ध्यान से, समझ में आया सभी को, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अरे यार आप ही मतलब मेरे से ही क्वेश्चन पूछोगे, आप लोग मुझे बताएंगे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन है, बड़ा यूनिट कौन है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सबको पता है, और इन सब में छोटा कौन है, अगर मैं यहाँ पे मिलीमीटर भी लिख दो तो। अच्छा आपको मीटर छोटा मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक बात बताओ, किलोमीटर एक स्केल है, मीटर एक स्केल है और सेंटीमीटर एक स्केल है, मिलीमीटर एक स्केल है, इससे भी सर नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और भी बहुत सारा स्केल्स पढ़ते हैं सर हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है स्केल का मतलब, समझ में आ रहा है कि स्केल का मतलब क्या होता है, कि एक स्केल लेते हैं सर हम लोग, एक पर्टिकुलर कन्वेंशन लेते हैं चीजों को समझने के लिए, नहीं तो अगर मुझे यहाँ से हजारीबाग जाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे हजारीबाग जाना है, कोई मुझसे पूछे कितना दूर है, अरे बस ना 2.5 घंटा में पहुंच जाता है, सही में 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, हाँ सुबह 4 बजे वाला बस पकड़ेंगे ना तो 2.5 घंटा में पहुंचा देता है, लेकिन अगर शाम वाला पकड़ेंगे ना तो 4.5-5 घंटा लगा देता है, बाबा रे, ऐसे ऐसे बोलने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। दैट्स वाई स्केल बनाया गया सर, स्केल बनाया गया कि भैया यहाँ से बोकारो से हजारीबाग कितना दूर है, तो मैं सटीक से बोल दूंगा 115 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, आदमी अब जितना स्पीड से जाए, अब आप पैदल जा रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, साइकिल से जा रहे हो तो उससे कम टाइम लगेगा, और सर बस से जाओगे तो उससे कम लगेगा, और बाइक से जाओगे तो सबसे कम लगेगा, ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितने घंटे में पहुंच रहे हो, ठीक है, मतलब स्केल का मतलब समझ में आ रहा है कि स्केल क्यों यूज करते हैं हम लोग, किलोमीटर स्केल यूज किया मैंने डिस्टेंस को बताने के लिए, स्केल का वर्ड स्केल इसलिए बनाया सर हमने ताकि एक कन्वेंशन हुआ कि हम लोग बता पाए कि वो दूरी कितना है। ऐसे ही सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया, मतलब पूरे पूरा पृथ्वी हमारा किस किस वक्त पे कैसा कैसा था, उस चीज को समझने के लिए हमने एक स्केल बनाया, ठीक है सर। एक स्केल का क्या नाम रखा, इयोन, इयोन, घबराना नहीं है, अब ये क्या बोल दिया, इयोन। दूसरा एरा, एरा। तीसरा पीरियड, चौथा इपॉक और पांचवा एज, एज, समझे सर, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज, ये 5 स्केल बनाया गया, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज, ये 5 स्केल बनाया गया सर। इन सब में से सबसे बड़ा स्केल कौन सा है, सर इयोन सबसे बड़ा है, इससे छोटा एरा, इससे छोटा पीरियड सर, इससे छोटा इपॉक, इससे छोटा एज। एग्जाम में ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, मतलब ऐसे आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से सही कौन है, ठीक है, कभी इयोन को लास्ट में ऐड कर देगा, मतलब आगे पीछे करके दे देगा और पूछेगा कि सही कौन सा है, सर सही कौन सा है, ये वाला जो अभी मैंने लिखा, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज, 5 बार बोलो आपको याद हो जाएगा, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज। याद हुआ, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज, इयोन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज,
ईयोन एरा पीरियड इपॉक एज, याद हो गया होगा आई होप, ठीक है। ईयोन एरा साइन किस चीज का साइन? सर ये टाइम टाइम बता रहा है, ठीक है, ये टाइम स्केल है, ये टाइम स्केल है, ये टाइम बता रहा है। आगे आराम से चलते हैं ना, हम लोग को सब समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे को समझाने दीजिए। साइन ग्रेटर का, ओह सॉरी, थैंक यू मैडम, देख रहे हो भावनाओं में मैं भी बह जाता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, मतलब सर इयोन सबसे बड़ा है, पीरियड एरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद इपॉक, उसके बाद एज, सबसे छोटा कौन है सर? एज। इसीलिए हम लोग, याद है आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टोन एज में आप लोग पढ़ते होंगे सर, स्टोन स्टोन एज बोलते हैं हम लोग उसको, स्टोन पीरियड नहीं बोलते हैं, स्टोन इपॉक नहीं बोलते हैं, स्टोन सर एरा नहीं बोलते हैं, स्टोन इयोन नहीं बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। अगर आपने स्टोन एज को भी पढ़ा होगा तो स्टोन एज के भी अंतर्गत पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं, समझ रहे हो? मतलब सबसे करीब आपको देखने को कौन मिल रहा है सर? एज। एज अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से सर, इयोन एरा पीरियड इपॉक एज पढ़ लिया, ठीक है। अब कितना टाइप का इयोन होता है, कितना टाइप का इयोन होता है? तो इयोन सर चार टाइप का होता है, चार हिस्सों में बांटा गया है इयोन को, चार हिस्सों में बांटा गया है इयोन को, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हिस्सा सर, सबसे पहला हिस्सा हेडियन, हेडियन इयोन, हेडियन इयोन, हेडियन इयोन, हेडियन इयोन सर ये कितने साल पहले था? 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन ईयर्स के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडियन इयोन, समझ रहे हो? 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन ईयर्स के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? हेडियन इयोन, हेडियन इयोन सर। इसके बाद सर, इसके बाद आता है आर्कियन, आर्कियन, ए आर सी एच ई एन, आर्कियन इयोन, आर्कियन इयोन। ये कितने साल, मतलब ये किस ईयर के बीच का बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है 4 बिलियन साल से, ठीक है, 4 बिलियन साल से 2.5 बिलियन साल। मतलब सर हेडियन इयोन के बाद कौन सा इयोन आ रहा है सर? आर्कियन इयोन। 4 बिलियन साल से 2.4 बिलियन ईयर्स के जो वक्त है, ये जो वक्त है, इस वक्त को क्या बोलते हैं? आर्कियन इयोन। और वो लोग जो ये वर्ड सुन के घबरा जा रहे हैं, मतलब जीवन में कभी कुछ ऐसे चीजें होती है ना, मतलब एंड में समझ में आता है कि बस बस यही था, यही पढ़ना था, तो प्लीज थोड़ा सा हेडियन इयोन 4.5 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन ईयर्स, आर्कियन इयोन 4 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है सर? इसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक इयोन, प्रोटेरोजोइक इयोन। ये कहां से सर? ये है 2.5 बिलियन से 542 मिलियन ईयर्स, ठीक है। प्रोटेरोजोइक इयोन सर किस किस टाइम स्केल के बीच है? प्रोटेरोजोइक जो है वो 2.5 बिलियन ईयर्स से 542 मिलियन ईयर्स को, ठीक है, मिलियंस। और इसके बाद कौन आ रहा है सर? इसके बाद आ रहा है फनेरोजोइक, फनेरो, फनेरोजोइक, फनेरोजोइक इयोन। फनेरोजोइक इयोन जो है ये सर कितने कितने साल? ये 571 मिलियन से अभी तक, 571 मिलियन से अभी तक का जो टाइम चल रहा है ये कौन सा टाइम है सर? फनेरोजोइक इयोन, फनेरोजोइक इयोन। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन, प्रोटेरोजोइक इयोन और फनेरोजोइक इयोन में सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो क्या डर लगेगा क्या? सर हेडियन इयोन सबसे पुराना है, क्यों? देखिए ना आप, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो का बात कर रहा है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मे बी उस वक्त पृथ्वी में आग लगा होगा सर, आग का गोला होगा पृथ्वी, पता नहीं हमें, कुछ तो होगा। सोच रहे हो हमारा पृथ्वी कितना पुराना है?
4.5 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन ईयर्स के बीच के टाइम को क्या बोला गया कि ये हेडियन इयोन है, ये हेडियन इयोन है। उसके बाद के टाइम को क्या बोला गया, 4 बिलियन से 2.5 बिलियन के टाइम को क्या बोला गया कि आर्कियन इयोन है, और उसके बाद को क्या बोला गया प्रोटेरोजोइक, जो कि 2.5 बिलियन से 542 बिलियन अब मिलियन। अब आप बोलोगे कि क्या मैं टाइम पूरा याद करके रखूं सबका, नहीं जरूरत नहीं है, याद मत करो, फील करो बस कि हेडियन इयोन जो है वो सबसे पुराना है इन चारों में से। सबसे पुराना इन चारों में से कौन है सर, हेडियन। अच्छा एक बात मैं पूछूं आप लोगों से कि सबसे करीब अगर कोई टाइम हमें देखने को मिल रहा है, जिस टाइम पे आज हम लोग जी रहे हैं, उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, तो तुरंत मैंने बताया कि सर 571 मिलियन से आज तक के टाइम को क्या बोलते हैं, फनेरोजोइक, PHANEROZOIC, फनेरोजोइक इयोन, फनेरोजोइक इयोन, फनेरोजोइक इयोन। ठीक है, ये आपको बस इमेजिन करना है। ठीक है, डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना साल हो रहा है, बस आपको फील करना है कि हेडियन जो है बहुत दूर है और फनेरोजोइक जो है ये करीब है। समझ में आया सभी को, सुनना ध्यान से, मतलब सर हेडियन बहुत पुराना, उससे पुराना आर्कियन, उससे पुराना प्रोटेरोजोइक, उससे पुराना फनेरोजोइक, मतलब उससे करीब फनेरोजोइक। ठीक है, हेडियन जो है सबसे पुराना, उससे कम पुराना आर्कियन, उससे कम पुराना प्रोटेरोजोइक, उससे कम पुराना फनेरोजोइक, मतलब फनेरोजोइक, आज हम लोग फनेरोजोइक में जी रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से एक बार चीज क्या बोलने वाले हो आप, मैं बोलने वाला हूँ कि क्या आप लोग जू गए हैं? अरे यार मजाक कर रहे हो यार, चिड़ियाघर गए हैं कभी आप लोग? जू गए हैं सर, वहां पे क्या देखने को मिलता है सर, जीव जंतु पेड़ पौधा, जीव जंतु पेड़ पौधा, मतलब ये जो वर्ड है जू, ये जीव जंतु और पेड़ पौधा से रिलेटेड है कि नहीं, लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। मतलब सर जीवन में कहीं भी आपको जू वर्ड दिखे ना, जू वर्ड का मतलब समझना कि वो लाइफ के बारे में बात कर रहा है। अब सुनना ध्यान से सर, प्रोटेरोजोइक इयोन, फनेरोजोइक इयोन, सर जोइक, जोइक 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 का मतलब होता है जू, और जू का मतलब क्या होता है, लाइफ। मतलब सर प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक में एक वर्ड दिख रहा है मुझे जोइक, और जोइक का मतलब होता है जू, मतलब जू ही बोलने का कोशिश कर रहा है सर वो, और जू का मतलब क्या होता है सर कि लाइफ देखने को मिल रहा है। मतलब सर प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक में क्या देखने को मिल रहा है हमें, लाइफ। समझ में आया, लाइफ देखने को मिल रहा है प्रोटेरोजोइक इयोन और फनेरोजोइक इयोन में, लाइफ देखने को मिल रहा है। क्या हेडियन और आर्कियन में कहीं आपको जू वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब सर हेडियन और आर्कियन में लाइफ था ही नहीं, ये उस पीरियड का बात कर रहा है, ये पृथ्वी के उस पीरियड, ये पृथ्वी के उस समय का बात कर रहा है जब पृथ्वी में कोई समय, कोई लाइफ नहीं था सर, कोई जीव जंतु नहीं थे, कोई पेड़ पौधा नहीं था, उस वक्त का बात करता है हेडियन और आर्कियन। समझ माया, सबको समझ माया, अभी तक सबको समझ माया सर? ऑब्वियस सी बात है, जू वर्ड से हम लोग ये वर्ड समझ गए। अब सुनना ध्यान से, आप लोग कभी सुने प्रोटो वर्ड, प्रोटो वर्ड कभी सुना है? प्रोटो वर्ड का मतलब होता है वेरी ओल्ड, प्रोटो वर्ड का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, बहुत पुराना। सी प्रोटेरोजोइक इयोन मतलब सर ये किसके बारे में बात कर रहा है, ओल्ड लाइफ, ओल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है कौन, प्रोटेरोजोइक पीरियड, ओल्ड, ओल्ड लाइफ, ओल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है कौन, प्रोटेरोजोइक इयोन। और फनेरोजोइक इयोन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखना फनेरो जो वर्ड है ना, फनेरो वर्ड, ये फनेरो वर्ड का मतलब होता है द थिंग्स विच वी कैन सी, द थिंग्स विच वी कैन सी, द थिंग्स विच वी कैन सी इज कॉल्ड एज फनेरो, फनेरो। तो ये बोल रहा है फनेरोजोइक इयोन, मतलब वैसा टाइम के बारे में बात कर रहा है जहां पे हम लोग को विजिबल लाइफ दिख रहा था, मतलब दिख रहा है कि हाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे। मतलब सर कहीं पे हमको पेड़ पौधा छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आज के वक्त, फनेरोजोइक टाइम जो है वो आज के वक्त को भी इंक्लूड करते हैं सर उसमें, ठीक है। आज के वक्त क्या अगल बगल में आपको लाइफ नजर आता है? आता है सर, आपको तो सबसे पहले खुद में लाइफ नजर आता होगा, अगल बगल आपके रिलेटिव, आपके जो जितने साथ आप घर में रह रहे हैं सर, अगल बगल बैठ के पढ़ रहे हैं सर, उनमें लाइफ नजर आता होगा सर, सांस ले रहे हैं पेड़ पौधा, लाइफ नजर आता होगा। सो
दैट्स वाई सर फेनेरो जो एक टाइम जो है इसको ये विजिबल लाइफ दिखता है, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कौन सा टाइम है जो इन इन इयोन में से कौन सा इयोन है जहां पे आपको ओल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, तो सर प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, आप लोगों ने कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है, सिंधु सभ्यता का नाम सुना है? कभी तो सुना होगा। सर आप कहां हिस्ट्री में चले जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हिस्ट्री नहीं है। इसका स्क्रिप्ट, इसमें जो लिपि मिली थी, इसमें जो लिपि मिली थी, क्या आज तक वो डिसाइफर हो सकी है? क्या आज तक वो पता चल चुका है कि वो क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? कभी पता चल चुका अभी तक कि क्या लिखा क्या है? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला कि कोई, मतलब कोई सोर्स ही नहीं है सर, क्या लिखा हुआ है वो चीज डिसाइफर करने के लिए मुझे पहले सोर्स तो पता करना पड़ेगा। मुझे दिख ही नहीं रहा है ना कि हाथी क्यों बना दिया, ऐसे एक एक मूर्ति ऐसे खड़ा क्यों कर दिया, मतलब पता ही नहीं है। जो दिखेगा, जो सोर्स मुझे, अगर मुझे सोर्स दिखेगा तब ना मैं उस चीज को डिसाइफर कर पाऊंगा, तब ना उस चीज का मतलब निकाल पाऊंगा। जो चीज दिखेगा उसी का नाम मतलब निकाल पाएंगे। मतलब सर हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन, इन दोनों वक्त में लाइफ दिखता ही नहीं था, लाइफ है ये नहीं है। क्या हम लोग इन दोनों को अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। जो दिखेगा उसी को तो हम अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर हेडियन इयोन और आर्कियन इयोन को हम लोग अध्ययन नहीं करते उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स ही नहीं है। उस वक्त जो पाया जाता था ना, उस चीज का सोर्स ही नहीं है अभी। उसके बाद सर प्रोटेरोजोइक इयोन, कुछ कुछ सोर्सेस हैं इसके अवेलेबल, कुछ कुछ सोर्सेस हैं इसके अवेलेबल, मतलब इसको हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, इसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, परंतु उतना भी अवेलेबल नहीं है। परंतु सर फनेरोजोइक इयोन का के उस टाइम पे, फनेरोजोइक इयोन के जो जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का बहुत चीज अभी हम लोग को पृथ्वी में दिखता है। दैट्स व्हाई सर हम लोग किसको अध्ययन करते हैं? फनेरोजोइक टाइम को। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लाइफ विजिबल है, हर एक सोर्स विजिबल है, उस सोर्स को अध्ययन करके हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। मतलब सर फनेरोजोइक को हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। क्यों नहीं स्टडी कर पा रहे हैं हेडियन को, आर्कियन को, प्रोटोजोइक को? क्योंकि सर उस समय का कोई सोर्स ही आज अवेलेबल नहीं है। समझो ना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो उस वक्त का कोई सोर्स मिलेगा क्या आपको? नहीं मिल पा रहा है। और सर ऑब्वियस सी बात है, जो चीज हमें दिखता है वही बिकता है, जो चीज हमें दिख रहा है उसी चीज का हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। और सर फनेरो जो एक जो इयोन है, इस वक्त का हर एक चीज हमें देखने को मिलता है, समझे? फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला देखने को मिलता है। कभी आप लोगों ने जीवन में कोयला देखा है क्या? कोयला नहीं देखा होगा जीवन में आप लोगों ने। सर देखा है, हम सबने कोयला देखा है। ये सर कोयला पता है कौन सा इयोन में बना था? फनेरोजोइक इयोन में बना था। सर आप लोग अभी थोड़ा देर पहले हिमालय हिमालय कर रहे थे, कभी जीवन में हिमालय का फोटो देखा है? देखा होगा सर, हिमालय कैसे बना ये भी पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा इयोन में बना है? सर फनेरोजोइक इयोन में बना है। क्यों क्यों हम लोग सबको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हिमालय को? क्योंकि सर ये फनेरोजोइक इयोन का हिस्सा है। मतलब सर अगर अध्ययन करना है तो वो चीज हमें दिखना चाहिए, और हर एक चीज जो हम अध्ययन करते हैं वो सर किस इयोन का है? फनेरोजोइक इयोन का है। दैट मींस फनेरोजोइक इयोन को हम लोग और भी फर्दर स्प्लिट करते हैं एरा में, ठीक है? अगर आपको याद हो तो इयोन के बाद क्या आता है? एरा। मतलब इयोन को हम लोग फर्दर, इयोन को हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे एरा में। समझ में आया सभी को? अब बात करेंगे हम लोग फनेरोजोइक, फनेरोजोइक एरा, फनेरोजोइक इयोन को हम लोग अब एरा में डिवाइड करेंगे, ठीक है? इसको और सब सब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब इसको हम लोग और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एरा जो आता है ये होता है पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा। दूसरा एरा जो आता है ये है मेसोजोइक एरा, और तीसरा जो एरा आता है यह है सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बहुत चीज अच्छा चीज है। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये कितना टाइम पीरियड मैंने बताया था फनेरोजोइक इयोन में? 571 मिलियन से आज तक का टाइम। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 100 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्या मैं इसको मीटर में लिख सकता हूं 10 किलोमीटर को?
हाँ सर, 10 × 100 लिख सकता हूँ क्या? बोलिए भैया। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। लिख सकता हूँ मतलब सर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में हम लोग जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में जा सकते हैं। सर यौन जो है वो बड़ा यूनिट है, यौन को पूरा पढ़ लिया हमने। अब यौन से हम लोग डिविजन कर रहे हैं एरा में, ठीक है? और कौन सा यौन को डिवाइड कर रहे हैं सर? फनेरोजोइक को। क्यों? क्योंकि सर इन तीनों का उतना तथ्य ही नहीं है कि हम उसको स्टडी कर सकें, इसीलिए फनेरोजोइक यौन को हम लोग फर्दर डिवाइड कर रहे हैं एरा में। पैलियोजोइक एरा, ये सर कितना साल से कितना साल था? तो 571 ईयर से 225 साल, 225 मिलियन मिलियन है ये सब, ठीक है? मतलब 571 मिलियन से 225 मिलियन ईयर्स का बीच का जो टाइम है, उस टाइम को सर पैलियोजोइक एरा में रखा गया है। और मेसोजोइक एरा कौन सा है सर? 225 मिलियन साल से 70 मिलियन साल, इस बीच का जो टाइम था उसको हम लोग मेसोजोइक एरा बोलते हैं। और सेनोजोइक कौन सा है सर? ये है आपका 70 मिलियन साल से आज तक का वर्ल्ड, आज तक का। मतलब सर पेलियो, कभी सुना आप लोग? आप लोगों ने पेलियोलिथिक एज, पेलियो 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 वर्ड का क्या मतलब होता है सर? बहुत पुराना। पेलियो मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। मेसो मतलब बीच का, बीच का, मेसोजोइक बीच का। और सेनो मतलब होता है न्यू, सेनो मतलब होता है न्यू। इसी को यूज करके हमने तीन एरा बनाया, पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक में कौन सा ऐसा एरा है जिसमें आज आप जी रहे हैं, आज आप किस एरा में जी रहे हैं? पेलियोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में, कि सेनोजोइक एरा में? सर सेनोजोइक एरा में, ठीक है? कोई पूछ देगा तो बोल देना सेनोजोइक एरा में जी रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब सुनना फर्दर क्लासिफिकेशन। मतलब सर देखो, हमने क्या पढ़ा? फनेरोजोइक इओन पढ़ा, पढ़ा ना? फनेरोजोइक इओन को हमने तीन हिस्सों में बांटा, पेलियोजोइक एरा, मिसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। सब कोई सबने देखा, सबने देखा। अब देखो एरा के बाद कौन सा आता है, कौन सा स्केल आता है, कोई बताएगा? एरा के बाद क्या आता है? एरा के बाद क्या आता है? एरा को अगर मतलब किलोमीटर को मीटर में डिवाइड किए, अब मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते कि नहीं कर सकते? मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते कि नहीं कर सकते? सर हमने पढ़ा इओन को हमने एरा में डिवाइड किया, अब एरा को पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब सर अब एरा को डिवाइड करेंगे, मतलब पैलियोजोइक एरा को आप लोग को अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो पैलियोजोइक एरा को डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिवाइड डिवाइड किया गया। देखो पीरियड है ये सर, पहला क्या? कैम्ब्रियन पीरियड। दूसरा ये सब जितना पीरियड दिख रहा है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया किसको सर? एरा को, एरा को डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया। समझ में आया सभी को? देखो मेसोजोइक एरा को भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया गया, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक, उसके बाद टर्सरी, क्वार्टनरी, ठीक है? ऐसे डिवाइड किया गया। अब क्या हमें इतना याद रखना है? नहीं याद रखना है। पैलियोजोइक एरा में दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबको भूल जाओ, परमियन तरमियन ये सबको भूल जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपको कार्बोनिफेरस पीरियड याद रखना है और कैम्ब्रियन पीरियड याद रखना है। अच्छा आप लोगों ने कभी सुना है कि ये जो पत्थर है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है? कभी पढ़ा होगा प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, सुना होगा कभी ना कभी कि ये जो पत्थर है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, ये जो हड्डी दिख रहा है, ये जो स्केलेटन दिख रहा है। और अगर नहीं सुना है तो भैया पता नहीं, सुनना चाहिए, आई होप कहीं पे तो सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन वक्त का है। अब देखो प्री, प्री मतलब पहले, कैम्ब्रियन मतलब, कैम्ब्रियन मतलब कुछ होता है, प्री मतलब सर, प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन आने से भी पहले का टाइम। अब देखो कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है? 571 मिलियन साल के आज से 571 मिलियन साल पहले का बात हो रहा है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको दिखा दिया जाए कि ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है, ये जो इंसान आपको इतना भाषण दे रहा है, ये इंसान प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, मतलब आप क्या सोचोगे कि कले जन्मा है? आप क्या सोचोगे कले जन्मा है? नहीं, आपको क्या सोचना है भैया बहुत पुराना है, मतलब 571 मिलियन ईयर्स अगो इसका जन्म हुआ है ये जो इंसान। अगर कोई बोल दे कि ये जो इंसान है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का है तो आप क्या बोलेंगे? अभी अभी एक घंटा पहले जन्मा है, ऐसा बोलेगा? नहीं सर, ये बहुत पुराना है।
समझ में आ रहा है? फील करो, चीज को फील करो। प्री कैम्ब्रियन मतलब सर बहुत पुराना, प्री। अब देखो ना कैम्ब्रियन का, कैम्ब्रियन पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? कैम्ब्रियन पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? 751, आज से 751 मिलियन साल के बाद से प्री कैम्ब्रियन टाइम, कैम्ब्रियन टाइम आ रहा है। और प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन से भी पुराना, कैम्ब्रियन से भी पुराना मतलब बहुत ही पुराना। समझ में आया सभी को? अब सर ये कार्बोनिफेरस पीरियड कब आता है? तो आज से 345 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 345 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 345 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस पीरियड आया है। अब बताओ कोल, कोल में कार्बन होता है कि नहीं होता है? किसी को ये पता है? किसी ने इतना बेसिक साइंस पढ़ा है? कोल में कार्बन होता है कि नहीं होता है? क्लास 8-9 में पढ़े होंगे आप लोग, कोल में कार्बन होता है भैया? कार्बन ही होता है पूरा, कोयला में कार्बन होता है? होता है, ठीक है, कार्बन ही होता है। अब सुनना ध्यान से, कोल का मैंने बताया, कोल का बेस्ट बेस्ट क्वालिटी कौन सा कोल है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट। उसके बाद एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट, और उसके बाद पीट। इन सब में सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा है? ये है सर सबसे बेस्ट, दूसरा नंबर पे बिटुमिनस, तीसरा नंबर पे लिग्नाइट, और पीट जो है वो चौथे नंबर पे। सबसे खराब है पीट, सबसे खराब क्वालिटी कोल का है पीट। अब सुनना, आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कौन सा क्वालिटी ऑफ कोल चाहिए अपना खाना बनाने के लिए? तो आप बोलिएगा सर हमको एंथ्रासाइट दो। क्यों एंथ्रासाइट दो? क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी है। सर वो बेस्ट क्वालिटी क्यों बना? वो बेस्ट क्वालिटी इसलिए बना क्योंकि वो ज्यादा वर्षों तक जमीन के अंदर था, वो ज्यादा वर्षों तक जमीन के अंदर था, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना कोल है। एंथ्रासाइट कोल जो है ना, ये बहुत पुराना कोल है, इसको बनने में बहुत टाइम लगा। दैट्स वाई टुडे वी फाइंड इट एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, ये जो पीट है ना सर, ये पीट जो है ना, ये अभी अभी बना है, अभी जस्ट जस्ट बना है, अभी कल परसों बना है सर, मतलब बहुत अभी बनिए रहा है। ये जो पीट क्वालिटी है ना, ये बनिए रहा है, इसीलिए उसमें उतना ज्यादा कार्बोनिफेरस चीजें नहीं दिखने देखने को जाती, वहां पे उतना कार्बन नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए सर पीट जो है वो सबसे खराब क्वालिटी है कोल का। परंतु एंथ्रासाइट जो है ये बहुत पुराना है, बहुत पहले बनाया गया था, दैट्स वाई सर इसमें कोल का मात्रा, इसमें कार्बन का मात्रा बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स वाई इट बिहेव एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल। मतलब सर एंथ्रासाइट सबसे पुराना होगा सर इन चारों क्वालिटी में, इतना समझ में आया सभी को? और सर जो एंथ्रासाइट कोल है ना, वो किस पीरियड में बना है? तो सर वो बना है कार्बोनिफेरस पीरियड में। समझ में आया? एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम में आपको चार को पीरियड दे देगा, टर्शियरी पीरियड, क्वार्टिनरी पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और जुरासिक पीरियड। इन चारों पीरियड में से आपको बताना है कि वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल किस पीरियड में बना था। तो आप लोग क्या जुरासिक पीरियड मार्क आएंगे? नहीं, कार्बोनिफेरस पीरियड मार्क आएंगे। अब समझ में आया आप लोगों की पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? समझ में आया कैसा क्वेश्चन पूछता है? समझ में आया? मतलब जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं भैया, लिखेंगे इस चीज को, मतलब कैसे लिखते हैं अब वो भी मैं ही सिखाऊं तो भैया हमसे ना हो पाएगा। लिखेंगे आप लोग कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल आपको कौन से पीरियड में देखने को मिल रहा है? तो कार्बोनिफेरस पीरियड में देखने को मिल रहा है, कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, अब सुनो, ये पूरा पेलियोजोइक एरा का पीरियड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मेसोजोइक एरा को हम लोग पीरियड में डिफाइन कर रहे हैं, तो मेसोजोइक को हम लोग तीन पीरियड में डिफाइन करते हैं सर, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरासिस, जुरासिक और क्रिटेशियस। सर ये 225 मिलियन साल, और ये वाला याद रखना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना ये वाला याद रखना है, 345 मिलियन साल पहले, अभी जितना भी लिख रहा हूँ ये वाला टाइम आपको याद रखना है। सर ट्राइएसिक पीरियड कब आया था? आज से 225 मिलियन साल पहले। सर जुरासिक पीरियड कब आया था? आज से 125 साल पहले बोल सकते हो, ठीक है, 195 मिलियन साल पहले। और ये क्रिटेशियस कब आया था? ये क्रिटेशियस कब आया था? तो ये आया था आज से 125 साल पहले, 125 मिलियन साल पहले। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम लोगों ने कभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था, किसी को याद है? दो दिन पहले भी बताया था, क्या बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में?
और जिसको नहीं पता है तो भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक थ्योरी था जो एल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने दिया था। उसने क्या बोला था, एल्फ्रेड चचा ने क्या बोला था कि आज से वेगनर चचा ने क्या बोला था कि आज से 225 मिलियन साल पहले जो आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिखता है ना, ये एक ही लैंड मास का हिस्सा था। मतलब आज अलग अलग दिखता है कि साउथ अमेरिका वहां पे गिरा हुआ है, एशिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही नहीं सर, सर नॉर्थ अमेरिका तो एकदम उधर गिरा हुआ है। मतलब आज से 225 मिलियन साल पहले ये सब एक ही लैंड मास का हिस्सा थे जिसको हम लोग बोल देते थे पेंजिया। अरे आप कौन सा टाइम का बात कर रहे हैं, 225 साल पहले। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये किस पीरियड का हिस्सा है, आपसे पूछेगा कार्बोनिफेरस, आपसे पूछेगा ट्राइएसिक पीरियड, आपसे पूछेगा जुरासिक पीरियड, आपसे पूछेगा क्रिटेशियस पीरियड। तो आप क्रिटेशियस मत मार करिएगा क्योंकि सर ट्राइएसिक पीरियड में हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सच मिलता है। समझ में आया सबको, मतलब ट्राइएसिक पीरियड में देखो 225 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन साल पहले आपको क्या दिखेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हिसाब दिखेगा। समझा समझा सब कोई, समझ में आया सब कोई। अच्छा आप लोगों ने कभी जुरासिक मूवी देखा है, जुरासिक पार्क मूवी आया था सर बचपन में हम लोग बहुत देखते थे। सर जुरासिक पार्क का जो मूवी था वो कुत्ता लोग के ऊपर बनाया गया था, ट्रू या फॉल्स? मतलब इतना तो पता है ना, जुरासिक पार्क मूवी देखा होगा कभी आप लोगों ने। सर डायनासोर्स के ऊपर बनाया गया था जुरासिक पार्क का मूवी। तो सर एग्जाम में आपसे पूछे कि जुरासिक पीरियड किस चीज से रिलेटेड है, किस एनिमल से रिलेटेड है, सर कुत्ता से रिलेटेड है, ऐसा है क्या? नहीं, डायनासोर से रिलेटेड है। सी जुरासिक पीरियड कब आया था ये इंपॉर्टेंट है, 195 मिलियन ईयर्स, मतलब आज से 195 मिलियन ईयर्स अगो वहां से स्टार्ट हुआ डायनासोर, वहां से स्टार्ट हुआ डायनासोर का पैदा होना, वहां से आपको दिख रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे नॉनवेज वाला डायनासोर है, वो वहां पे वेज वाला डायनासोर है, और ये वाला डायनासोर जो है ये ओमनीवेरस है, ये मीट भी खाएगा मछली भी खाएगा लेकिन अंडा नहीं खाएगा, ठीक है। मतलब डायनासोर आपको कौन से पीरियड से देखने को मिलता है, सर जुरासिक पीरियड से देखने को मिलता है। समझ में आया सभी को, जुरासिक पीरियड से देखने को मिलता है। अब सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था कि अंगारा लैंड का? इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था कि अंगारा का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया। सर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा इंडिया किस पीरियड में था, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया, क्रिटेशियस पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, 125 मिलियन साल पहले, आज से 125 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 125 मिलियन साल पहले इंडिया वाज द पार्ट ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। मतलब सर इस हिस्सा आज से 125 मिलियन साल पहले, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कब था, किस पीरियड में था, जुरासिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, किस पीरियड में? तो सर क्रिटेशियस पीरियड में था। और सुनना ध्यान से, इंडिया में कौन सा टाइप का कोल बहुत ज्यादा मिलता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो सर बिटुमिनस बहुत ज्यादा मिलता है इंडिया में बिटुमिनस बहुत ज्यादा मिलता है। और बिटुमिनस किस लिए ज्यादा मिलता है पता है, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर भारत है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था ना, वहां पे सर बहुत ज्यादा जीव जंतु जमीन में गिर चुके थे, जमीन में गड़ चुके थे, और प्रेशर और हीट के कारण वहां पे एक कोल का वैरायटी जनरेट हुआ, और वही कोल का वैरायटी आज हम लोग यूज करते हैं भारत में, जो है बिटुमिनस। और सर ये बिटुमिनस कहाँ बना? सर जब इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था तब उस जगह पे बना ये बिटुमिनस टाइप का क्वालिटी, ठीक है। ये कोल गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा था ना भारत, वहां पे बना था, इसीलिए सर बिटुमिनस भारत में जो कोल मिलता है ना उसको हम लोग गोंडवाना कोल भी बोल देते हैं, हम लोग गोंडवाना का कोयला। अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि भारत में बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल किस पीरियड में बना, तो सर
क्रिटेशियस पीरियड में बना, जब भारत वॉज दी पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तब बना था सर बिटुमिनस कोल, ठीक है, क्रिटेशियस। समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया, समझ में आया सभी को? ठीक है, सर उसके बाद भारत का जर्नी स्टार्ट हुआ गोंडवाना से लॉरेशिया तरफ, ठीक है, अंगारा तरफ स्टार्ट हुआ जर्नी। और जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो उस जर्नी के बीच में हमें क्या दिखा कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ये टकरा रहा है, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन प्लेट जो है ये टकरा रहा है किससे? यूरोएशियन प्लेट से। ये यूरोएशियन प्लेट से टकरा रहा है, और यूरोएशियन प्लेट से टकराने के वजह से क्या हो रहा है? यूरोएशियन प्लेट से टकराने के वजह से क्या हो रहा है? हिमालयस बन रहा है। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सर हिमालय कौन सा पीरियड में बना था, हिमालयस कौन सा पीरियड में बना था? तो हिमालय जो है वो आपका टर्जरी पीरियड में बना था, टर्जरी पीरियड में, 70 मिलियन साल पहले, टर्जरी पीरियड में, ठीक है, टर्जरी पीरियड में बना था। कब बना था? तो टर्जरी पीरियड में बना था। और सर लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोल जो है ना, लिग्नाइट कोल मैंने बताया लिग्नाइट कोल क्या होता है, लिग्नाइट कोल जो है, लिग्नाइट कोल भी आपको टर्जरी पीरियड में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वार्टिनरी जो है, क्वार्टिनरी जो है सर, क्वार्टिनरी में इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग, पेलिस्टोसीन, होलोसीन, इन सब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब आज आज पूछा जाएगा कि आज आप कौन सा पीरियड में जी रहे हैं, तो आप क्वार्टिनरी पीरियड में जी रहे हैं। आप किस पीरियड में जी रहे हैं? क्वार्टिनरी पीरियड में जी रहे हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, क्वार्टिनरी पीरियड में। अब सर आप पीरियड को भी इपोक में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर वगैरह जा सकते हैं सर, सेंटीमीटर से आप नैनोमीटर वगैरह जा सकते हैं, इपोक में डिवाइड उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है यही था सर हम लोग का, पढ़ लिए। मतलब क्या क्या कंक्लूजन है, क्या क्या कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन लिखिएगा, मैं मतलब मैंने बता दिया फिर भी आप लिखेंगे सर। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस एरा कितना साल पहले, कितना साल पहले? 345 मिलियन ईयर्स को, 345 मिलियन ईयर्स को क्या मिला था इस वक्त, क्या बना था इस वक्त? हाँ जी, क्या बना था इस वक्त? कार्बोनिफेरस एरा में क्या बना था? एंथ्रासाइट कोल। कहाँ है आप लोग, कहाँ है आप लोग? पूरे वर्ल्ड का एंथ्रासाइट कोल बना था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कोल अगर बोला जाए तो किस पीरियड में बना था? कार्बोनिफेरस पीरियड। सर मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा में क्या क्या हुआ, मेसोजोइक एरा में क्या क्या हुआ, आई मीन कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड या फिर पेलियोजोइक एरा, जो भी बोलो सर। मेसोजोइक एरा में क्या क्या हुआ, कोई बताएगा? मेसोजोइक एरा में क्या क्या हुआ? मेसोजोइक एरा मतलब माइंड में आपका आना चाहिए कि यहां का बात कर रहा है, इस जगह का बात कर रहा है, इस जगह का बात कर रहा है, मेसोजोइक एरा इस जगह का बात कर रहा है। मतलब सर यहाँ पे क्या दिखा मुझे? बिटुमिनस कोल, क्या दिखा? बिटुमिनस कोल, या फिर अगर मैं बोलूं मेसोजोइक एरा में ही क्या था सर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है? कि भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, और गोंडवाना कोल देखने को मिल रहा है। कहां सर? मेसोजोइक एरा में, ठीक है सर। ट्राइएसिक, ट्राइएसिक पीरियड में क्या देखने को मिल रहा था, क्या था? कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी। सर जुरासिक में क्या देखने को मिला था? डायनासोर। और क्रिटेशियस में देखने को क्या मिल रहा था? क्या सर? गोंडवाना लैंड, बुटुमिनस वगैरह, ठीक है।
समझ में आया सभी को? अब सुनना ध्यान से, क्रिटेशियस में एक और चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्या याद है आप लोगों को कि जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो वो गोंडवाना लैंड से जब अंगारा लैंड के बीच में आया था, तो एक हॉटस्पॉट मिला था बीच में। उस हॉटस्पॉट का क्या नाम था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। और उस रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से ही क्या बना था भारत का? पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। अब ये दक्कन का एग्जाम में पूछता है कि दक्कन का पठार किस पीरियड में बना था, तो ध्यान से सुनिएगा, दक्कन का जो पठार है वो क्रिटेशियस पीरियड में बना था। किस पीरियड में बना था? क्रिटेशियस पीरियड में बना था। समझ में आया सभी को? क्रिटेशियस पीरियड में बना था, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में बना था। और सर हिमालयस, मैंने क्या बताया, थोड़े पहले बताया था, हिमालयस कौन सा पीरियड में बना था? तो टर्जरी पीरियड में बना था। हिमालयस कौन से पीरियड में बना था? टर्जरी पीरियड में बना था। अगर पूछा जाए कौन सा एरा में बना था, तो सेनोजोइक एरा में बना था, सेनोजोइक एरा में बना था, सेनोजोइक एरा में बना था, ठीक है, सेनोजोइक एरा में बना था। समझ में आया सभी को? चलो क्वेश्चन दो तीन मैं डालता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे वर्ल्ड का बेस्ट कोल किस पीरियड में बना था। वर्ल्ड का बेस्ट कोल किस पीरियड में बना था? वर्ल्ड का बेस्ट कोल किस पीरियड में बना था? आप लोग को वर्ल्ड का बेस्ट कोल किस एरा में नजर आता है, किस एरा में नजर आता है, किस एरा में आपको वर्ल्ड का बेस्ट कोल नजर आता है, किस एरा में आपको आपको बेस्ट कोल मेसोजोइक में नजर आता है? सी सी कहां नजर आता है आपको? देखो देख के ही बताओ सर, कहां नजर आता है? पेलियोजोइक। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायनासोर आपको कौन सा एरा में नजर आता है, डायनासोर कौन सा एरा में नजर आता है, डायनासोर कौन सा एरा में नजर आता है, ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको कौन सा पीरियड में नजर आता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन सा पीरियड में नजर आता है, मतलब जब पूरा पेंजिया था, पेंजिया था सर, ये पेंजिया कौन सा पीरियड में नजर आता है? पेंजिया ट्रायसिक पीरियड, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पीरियड में हिमालयस बना था, किस पीरियड में हिमालयस बना था, किस पीरियड में, पीरियड आई एम यूजिंग द वर्ड पीरियड, टर्जरी पीरियड, सी टर्जरी पीरियड, सी टर्जरी पीरियड, क्वार्टिनरी पीरियड, क्वार्टिनरी पीरियड, टर्जरी पीरियड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, भारत में पहले हिमालय बना कि मैदान बना? तो याद रखिएगा हिमालय पहले बना उसके बाद मैदान बना, ठीक है, पहले हिमालय बना उसके बाद भारत में मैदान बना, प्लेन्स, मैदान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, प्लेन्स, पहले हिमालय उसके बाद मैदान बना। तो हिमालय बन रहा है आपका टर्जरी पीरियड में, तो सर प्लेन क्या उससे पहले बनेगा कि उसके बाद बनेगा? इसके बाद सर प्लेन देखने को मिलेगा हम लोग को, इसके बाद हम लोग को प्लेन नजर आएगा, मतलब सर क्वार्टिनरी पीरियड में हम लोग को क्या नजर आता है, प्लेन, प्लेन्स जो है क्वार्टिनरी पीरियड में नजर, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस पीरियड में, किस पीरियड में आपको प्लेन नजर आएगा, तो सर क्वार्टिनरी पीरियड में प्लेन नजर आएगा, क्वार्टिनरी पीरियड, क्वार्टिनरी पीरियड में प्लेन नजर आएगा, ठीक है, समझ में आया सभी को? क्वार्टिनरी पीरियड में प्लेन नजर आएगा। चलो अच्छा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बिटुमिनस कोल जो है ये आपको किस एरा में नजर आता है बनते हुए, बिटुमिनस कोल जो है ये आपको किस एरा में नजर आता है बनते हुए, किस एरा में बनते हुए नजर आता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि दक्कन का पठार किस पीरियड में बना था, दक्कन का पठार किस पीरियड में बना था, डेक्कन प्लेटू किस पीरियड में बना था, क्रिटेशियस में बना था, और
सर गोंडवाना कोल किसमें दिखता है सर? ट्रायसिक पीरियड, जब भारत हिस्सा था किसका? गोंडवाना लैंड का, ठीक है, गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा था तब। शायद उस वक्त मैंने बोल दिया था कि गोंडवाना कोल जो है वो क्रेटेशियस में दिखता है, उसको काट लीजिएगा और लिखिएगा कि गोंडवाना कोल आपको ट्रायसिक पीरियड में दिखेगा, ठीक है? पता नहीं गोंडवाना कोल मुझे, मैंने गलती से बोल दिया, वो अभी याद आया कि वहां पे नहीं होगा, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो है, जो भारत जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तब आपको वहां पे मिलेगा गोंडवाना कोल, ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैंने थोड़ा कॉमन सेंस गलत लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको बिटुमिनस बनते हुए। चलो तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझ में आया, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही था, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे भारत का रॉक सिस्टम, भारत में चट्टानों का सिस्टम कैसा है, भारत का रॉक सिस्टम कैसा है, इंटरेस्टिंग है। और मैं बताऊं, पूरे इंडियन ज्योग्राफी का सबसे हार्ड क्लास आज का था, सबसे हार्ड क्लास आज का था, इंडियन ज्योग्राफी का सबसे हार्ड का क्लास आज का था। आज के बाद जितना भी क्लास होगा वो हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सबसे हार्ड क्लास को पार कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, मिलते